Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. राजधानी दिल्ली का मौसम मंगलवार को एक बार फिर बिगड़ सकता है। दिन भर बादल छाए रहने, गर्जन वाले बादल बनने के साथ साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने एवं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच सोमवार को मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिला है। दिन भर सूरज और बादलों की लुका छिपी चलती रही। लोदी रोड पर बूंदाबांदी, जबकि पालम और आया नगर में हल्की बरसात देखने को मिली। मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 35.2 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर सामान्य स्तर पर 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा की नमी का स्तर 89 से 65% तक रहा। मौसम विभाग की माने तो 28, 29 और 30 अगस्त को राजधानी में मौसम कमोबेश एक जैसा रहेगा। इन 3 दिनों के दौरान आसमान में बादलों की मौजूदगी होने और हल्की वर्षा या फुहारे पड़ सकती हैं। 31 अगस्त को मौसम सुहावना रहेगा और हल्की फुहारे पड़ सकती है। यदि तापमान की बात करें तो इस पूरे हफ्ते मैक्सिमम टेम्परेचर के 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के आसार नहीं है, वहीं मिनिमम टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यही नहीं, पंजाब, यूपी, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी छिटपुट वर्षा के आसार हैं।